रही हूँ यहाँ पे रूरू के लिए बेसन का चीला, और इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड से। अभी मैंने प्लेन बनाया, जनरली मैं सब्जी डाल के बनाती हूँ, और आज क्योंकि मैंने साथ में आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी रूरू के लिए, तो उसी से उसको दे रही हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे कि प्लास्टिक में खाना मत दो, सो ये लव लैब की एक प्लेट है जो कि बच्चों के लिए आती है स्पेशली। ये BPA फ्री है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, सो इट्स कम्प्लीटली सेफ फॉर बेबीज, तो इसलिए मैं रूरू को इसी में खाना देती हूँ। और अगर आप चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो, बट वैसे स्टील की कटोरी चम्मच में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मैं अभी रूर के पास लेटी हुई थी और जिम जाके मैं आ गई थी सुबह जल्दी आज। उसके बाद फिर आज मेरी नींद पूरी नहीं थी क्योंकि रूरू ने मुझे काफ़ी परेशान किया, ऊपर से बॉडी अकड़ी हुई थी रात में तो नींद अच्छे से हो नहीं पाई, और मैं अपना प्रोटीन पिए बिना ही सो गई थी, एक घूट पी के फिर रूरू के पास लेट गई। 40 मिनट लगभग मुझे नींद आ गई फिर से, और मेरी आँख खुली दिवेश के कॉल से, क्योंकि कल से 2 दिन से ट्राई कर रही थी मैं कि दिवेश को कॉल करूँ, दिवेश का फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू थे। आज दिवेश का कॉल आया, वीडियो कॉल की बात की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब वो एक दिन दो दिन नहीं होता तो मुझे ठीक लगता है कि चलो ठीक है काम कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी बहुत याद आने लगती है। आई रियली मिस हिम। और कोई भी त्यौहार, मतलब कुछ भी होता है ना छोटा मोटा भी, उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करूँगी, पता नहीं। तैयारी तो मैंने कर ली है बट मुझे मज़ा नहीं आएगा तब तक वो आएगा नहीं, और आई एम मिसिंग हिम रियली। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियाँ भी ज़रूरी होती हैं, तो आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो उसने कॉल किया, वीडियो कॉल किया, उसने बोला रूरू को दिखा दे, रूरू को देखा, और मुझे भी जुकाम खांसी हो रहा है, दिवेश को भी जुकाम खांसी हो रहा है, सेम सेम चल रहा है दोनों का, पता नहीं कैसे। तो अभी दिवेश शादी किसको आ जाएंगे, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं सब तक पूरा घर से जा दूँगी, अच्छा लगेगा दिवेश, एकदम घर वाली वाइब आएगी। और मैंने उसको बोल दिया कि इस बार जब तू आए, चाहे कितना भी लेट आए मुझे बता देना, क्योंकि ये कभी कभी जैसे 2 या 3 बजे आता है रात में, तो बाहर खा के आता है तो उसको पेट नहीं भरता, फिर घर आके रोता है कि यार। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बता देना मैं खाना बना दूँगी, कभी नहीं बताता मुझे 2-3 बजे जैसे रात में लेट आता है। तो पर इस बार मैंने बोल दिया कि चाहे तुम किसी भी टाइम आओ मुझे प्लीज़ बता देना, मैं बना के रख दूँगी, फिर तुम्हें आके दे दूँगी, तो तुम इतना मत सोचा करो। तो बस वही है, अभी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट करना है, वो ख़त्म करती हूँ। चलो आज किचन में काम चल रहा था, तो मम्मी आज सफाई करवा रही हैं क्योंकि डब्बे वब्बे दीदी के साथ, तो मेरा इंपॉर्टेंट शूट था मैं वो कर रही थी, तो आज मैं जल्दी खाना नहीं बना पाई, और मम्मी अभी लगी हुई हैं उनके साथ, तो किचन में इतनी जगह भी नहीं थी। तो आज मैंने मेरे और मम्मी के लिए किए हैं कुलचे, छोले कुलचे ऑर्डर बहुत दिन से मन भी कर रहा था, और दूसरा मुरादाबादी दाल और रुमाली रोटी, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और उसके बाद फिर शाम को मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। आज मुझे जाना है कुछ क्राफ्ट का सामान और लेके आना, और सब्ज़ियाँ भी लेके आनी, वो लेके आऊँगी। और डीवी से बात हो गई है तो मेरा मन बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है, तो मैं चलो अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। तो अभी यहाँ पर चल रही है सफाई, और अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई, खाना आ चुका है, मम्मी को मैं बुला रही हूँ, तो इधर से मैंने खाना करके रख दिया, तो अभी जब मम्मी आएंगी तो हम साथ में ये जल्दी जल्दी खाना खत्म कर देंगे सारा, दाल और छोले कुलचे आ गए। इतने मजबूत ऊपर ही ठीक है, कोई जरूरत नहीं चलाने की, गमले बदमाश क्या हालत करी तुमने गमले की रूरा बेबी। तो इस लड़की ने ये पूरा पेड़ उखाड़ दिया जड़ से, ये देखो ये देखो, दोबारा प्लांट करना पड़ेगा, ये लड़की क्या करती है बता। तो क्योंकि यहाँ पे स्कूटी भी नहीं है तो मैं ऑटो से आई हूँ कुछ सामान लेने, क्राफ्ट का कुछ सामान लेने आई हूँ, और उसके अलावा मैं थोड़ी सी यहाँ पर सब्जियाँ लेके जा रही हूँ घर के लिए। जय हो देवी भैया, जय हो, जय हो, जय हो। बलम क्या बोलता है, कैसे बैठी, एक पैर बाहर करके एक पैर अंदर, ओ अरे गुड्डू चल काम करने दे हट। तो ये मंदिर की हालत अभी कुछ ऐसी है फिलहाल, और इसमें एक सिंपल सा पोस्टर लगा हुआ है, तो मुझे इसको पूरा रेनोवेट करने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, काफी सुंदर लग रहा है। वो चोरी है, सोने नहीं देगा किसी को भी, खुद तो सो नहीं रहा, उसको बिनुआ टाटा कर रहा है। रूरू बुआ का है, बुआ ये बुआ है भैया, उंगली बात सुन, बुआ सो रही है,
रूरू बुआ जगा दो। नहीं ये तो मेरे काम के बीच बड़ा रहता बस। मैंने बोला सॉरी बुआ के बेटे और क्या करे वो यहाँ खेल रही थी बुआ मेरे को परेशान कर रही थी। मैं बुआ मेरा फोन लेके यहाँ फेंक रही थी सोफे के पीछे इधर अंदर। तो मैंने कहा बुआ की पिट्टी कर दी रूरा आए रूरा उसे सो रहे थे पिटाई करवा दी जाएगी बुआ पिट देख बुआ पिट्टी कर दादी भी कह रही है पिट्टी करने को दादी ने सिखाई है पिट्टी करनी। अरे रूरा दादी की बात मान ले कर ले बुआ पिट्टी वो तो शुरू हो गया अपना। उसको वहां से उठा के ले आई है गोद में तुझे पीटने के लिए हाँ इसने पॉटी करी है अभी पहले मुझे लगा इसने पागा है बट इसने पॉटी करी है गंदा गंदा पॉटी वाला बेबी। चलो पॉटी धुलवाओ चलो मम्मी। अरे वाह ये तो सुंगा सुंगा के नहीं सोने देगी तेरे को उल्टी कौड़ी अभी करिए मंदिर की डेकोरेशन तो हो चुकी है लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसने बैंड बजाई हुई है और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम किसी को बुला के इस पे पुट्टी करवा सकें। तो मैं क्या सोच रही हूँ हमारे पास ना एक ग्रीन कलर का बड़ा सा मैट रखा है दिवेश आए तो मैं उससे ना उसको ड्रिल करवा दूँ इस पे पूरे पे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। आजकल ग्रास वाली वो आती है ना मैट वो हम इसमें लगवा सकते हैं तो बार बार इसका इशू भी नहीं क्रिएट होगा और ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। वॉलपेपर चिपकाने की सोच रही थी बट चिपका रही हूँ तो बार बार उधर के आ रहा है देयर इज़ नो पॉइंट तो मैं सोच रही हूँ मैं लगाऊँ बट मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लगा के लाइट्स लगा दी हैं और कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर रेड कलर की लगाई है। पीछे ना एक पेंटिंग है उसको हम वहाँ पे लगाएंगे ऊपर सरस्वती जी की तो वो कॉर्नर में लगेगी दिवेश आएगा तो बाकी कुछ ऐसा लग रहा है देखने में काफ़ी सुंदर है ना। और अंदर से ना मैंने इसका पूरा चेंज कर दिया है तो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है ना। मैंने क्या किया है कि ये पूरे स्टिक किए हैं बैकग्राउंड बनाया है ओम बनाया है छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस अब ना ये जो बल्ब है इसको ऐसे यहाँ पर रोकना है हमें क्योंकि ये निकल गया है अब इसको देखते हैं बाकी तो डेकोरेशन अभी तक कुछ ऐसी है।